नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक और फिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ में है जो, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपको किसी भी भर्ती का चार्ट चाहिए हो या फिर जो सिग्नल सेंटर में 2STC पोंडा में अभी जो पेपर हुए थे GD ट्रेडमैन का और टेक्निकल का, अगर आपको ओरिजिनल पेपर चाहिए तो आपको मिल सकता है। आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर देना, मैं आपको दे दूंगा। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को लेटेस्ट नोटिफिकेशन जाने के लिए हर भर्ती का, और जो भी पेपर आता है या फिर जो भी भर्ती आती है सबका आपको अपडेट मिलेगा। और तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये है एक राजपूत रेजिमेंटल सेंटर की एक भर्ती है, एक रिलेशन भर्ती है जिसमें सभी टाइप के रिलेशन कैंडिडेट अलाउड है, और ये इसमें ओपन भर्ती भी है स्पोर्ट्स वालों के लिए। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले रिलेशन वाले कैंडिडेट है तो सभी एक्स सर्विसमैन, सर्विसमैन, रियल ब्रदर और वॉर्ड विडो वाले अलाउड है। लेकिन इसमें लिख रखा है साफ साफ कि सन और ब्रदर वाले ही अलाउड है, मतलब एक्स सर्विस वाले और सर्विस वाले हो गए, और जो रियल ब्रदर वाले सिर्फ वो अलाउड है इसमें। और अब बात करते डेट की, तो 11 मई से लेके 16 मई तक ये भर्ती चलेगी, और ये स्टेट वाइज होगी भर्ती और कास्ट वाइज भी होगी। तो जिस दिन जिस स्टेट को और जिस कास्ट को बुलाया है उसी दिन उस कास्ट को जाना होगा, और ये भर्ती होगी फतेहगढ़ UP में। और ट्रेड की बात करें तो इसमें है सिर्फ GD ट्रेडमैन और स्पोर्ट्स की जो है वो ओपन कैटेगरी से होगी भर्ती। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 11 मई को है भर्ती सिर्फ यूपी की। कास्ट इसमें हम बात करें तो राजपूत, गुज्जर, जाट, अहिर, ब्राह्मण और मुस्लिम लेस कामखाने, इनकी भर्ती है कास्ट में। और आपको स्टेट मैंने बता दिया सिर्फ यूपी की। जीडी की इसमें सिर्फ भर्ती है, एज इसमें लिख रखी है 11 नवंबर 2002 से लेकर 11 मई 1999 तक। एलिजिबिलिटी आपको सभी को पता ही है, 10th पास 45% के साथ और 33 मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। अब बात करते हैं हम 12 मई की, तो 12 मई को है राजस्थान की भर्ती। सेम कास्ट है जो ऊपर मैंने आपको बताई थी, राजपूत, गुज्जर, जाट, अहिर और ब्राह्मण की और मुस्लिम लेस खाने की। एज जीडी की और एलिजिबिलिटी मैंने आपको जीडी की बता दी है। अब बात करते हैं हम 13 मई को है सिर्फ राजपूत, गुज्जर और ब्राह्मण, तीन की है राजपूत, गुज्जर और ब्राह्मण, सिर्फ यही कास्ट जा सकती हैं 13 तारीख को। और स्टेट की बात करें तो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, इन स्टेट की भर्ती है 13 मई को और तीन कास्ट के, राजपूत, गुज्जर और ब्राह्मण। इसके बाद 13 मई वाली भर्ती में जो जीडी की है उसमें जाट कास्ट के कौन कौन जा सकते हैं, कौन कौन स्टेट के जा सकते हैं, मतलब उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा के जो भी जाट भाई हैं वो 13 मई को जा सकते हैं जीडी के लिए। और अहिर कास्ट के जो भाई हैं वो उत्तराखंड के, मध्य प्रदेश के, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन स्टेट के अहिर भी जा सकते हैं 13 मई को। और 13 मई को वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा से भी जा सकते हैं जो बंगाली कास्ट के हैं। और 13 मई को मुस्लिम लेस खाने जा सकते हैं ऑल स्टेट के, सिर्फ यूपी और राजस्थान को छोड़ के, क्योंकि उनकी पहली भर्ती हो चुकी है 11 और 12 मई को, इसलिए सभी मुस्लिम जा सकते हैं, लेकिन जो यूपी और राजस्थान के हैं वो नहीं जा सकते 13 मई को। एज आपको मैंने ऊपर बता दी, एलिजिबिलिटी मैंने आपको ऊपर बता दी। अब बात करते हैं 13 मई को स्पोर्ट्स वालों के डॉक्यूमेंट भी चेक होंगे, और उसके बाद 14 मई को स्पोर्ट्स वालों की ओपन भर्ती है। तो स्टेट उनको 14 मई को बताया जाएगा। एज आपको पता ही है जीडी वाली होगी सेम। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी 10th पास चाहिए है, और सर्टिफिकेट इसमें लिख रखा है 2 साल से पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए आपका, और फेडरेशन और जो यूथ अफेयर्स है सबके सर्टिफिकेट चल जाएंगे। डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट वाली एक वीडियो मैंने डाल रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हो। 15 मई की बात करते हैं तो 15 मई को ऑल स्टेट, ऑल इंडिया, जितने भी कास्ट हैं, जितने भी इंडिया के स्टेट बच गए अदर, वो ट्रेडमैन 10th पास के लिए जा सकते हैं 15 मई को। एज है उसमें 11 नवंबर 2002 से लेके 11 मई 1997 तक, इसके भी जिसकी भी DOB है, मतलब 17.5 से 23, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में है वो जा सकता है इस भर्ती में 15 मई को ट्रेडमैन की। एलिजिबिलिटी आपको पता ही है 10th पास चाहिए सिर्फ, ओनली फॉर रिलेशन है ये 15 मई को ट्रेडमैन की। अब बात करते हैं ओपन वालों की, जिनकी स्पोर्ट्समैन की भर्ती है उनकी 16 मई को भर्ती होगी। उनका 16 मई को स्पोर्ट्स का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो कि ट्रायल भी कह सकते हैं, और उसके बाद भर्ती भी होगी। उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसमें लिख रखा है कि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल फोटोकॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल भी चाहिए और दो दोनों की फोटोकॉपी भी चाहिए। और डॉक्यूमेंट की वीडियो मैंने आपको बताया जैसे कि नीचे डाल रखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं
मेडिकल वगैरह की, तो 12 मई से आपके मेडिकल चालू हो जाएंगे जिनकी 11 मई को भर्ती हो चुकी होगी, और 24 जुलाई को आपको एडमिट कार्ड आपका इशू कर दिया जाएगा जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए, और 26 जुलाई को आपका कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका होगा। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि क्योंकि अब कई भर्ती आएंगी मई में, तो आपको आपको कौन से सेंटर में जाना है। सभी का पेपर 26 जुलाई को है, तो अब आपको सोचना है कि आपको कौन कौन से सेंटर में रनिंग करनी है और कौन कौन से सेंटर का पेपर देना है। पेपर तो आप एक का ही दे सकते हो क्योंकि 26 जुलाई को भर्ती है। तो दोस्तों सिर्फ आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर आप इंस्टा फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।